श्रद्धे आज के विशिष्ट अतिथि श्री रामकेश्वर स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य श्री आर के धानक सर, आज के मुख्य अतिथि के रूप में पधारी श्रीमती सरोज शर्मा मैम, यहाँ के स्टाफ साथी और नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं और पधारे हुए महिला अभिभावकों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम जो कल 8 मार्च 2024 जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं और कहते हैं कि एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तो केवल और केवल एक व्यक्ति ही शिक्षित होता है, जबकि एक नारी को या महिला को शिक्षित किया जाता है तो वह कई पीढ़ियों को शिक्षित करती है, कई पीढ़ियों को शिक्षित करती है। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही है शोभा घर की। जो उसे उचित सम्मान मिले तो घर में खुशियों के फूल खिले, तो घर में खुशियों के फूल खिले। मित्रों, आइए सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो महिलाओं द्वारा हासिल की गई सभी अद्भुत उपलब्धियों का जश्न मनाता है। यह दिखाने का एक तरीका है कि महिलाएं दुनिया को कैसे प्रभावित करती है और करती रहती है। प्रतिभाशाली महिलाएं जश्न मनाने के साथ साथ उन मुद्दों को उजागर करने और जागरूकता को बढ़ाने के लिए दिन के रूप में आज का वर्ण किया गया है, जिनका महिलाओं को अतीत में सामना करना पड़ा था और आज भी सामना करना पड़ रहा है। ऐतिहासिक रूप से हम बात करें तो महिलाओं को वोट देने, काम करने और अन्य चीजों के अधिकार से भी वंचित रखा गया था। इन चीजों के खिलाफ लड़ने वाली प्रतिभाशाली महिलाएं के कारण आज आसपास की दुनिया में, न केवल भारत में, पूरे विश्व में महिलाओं की बहुत भूमिका रही है। लेकिन अभी भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका महिलाएं आज भी सामना कर रही हैं और उनके लिए दिन प्रतिदिन लड़ रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारे लिए समाज में पाई जाने वाली मौजूद असमानताओं, जो आज भी देखने को मिलती हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह कि ये तो महिला है, ये बारात में कैसे जा पाएगी, ये तो पुरुष है, इन्हीं के लिए बारात में जाना है, ये तो जो है किसी अच्छे धार्मिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। ऐसी असमानताएं, लैंगिक पूर्वाग्रह, भेदभाव और रूढ़िवादिता पर ध्यान केंद्रित करने का एक महत्वपूर्ण है दिन है, जैसा हमारे पूर्व वक्ता श्री रामकेश्वर ने बताया। इस दिवस के मौके पर दुनिया भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है जिसका उद्देश्य महिलाओं को उसके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए समाज में पुरुषों के बराबर सम्मान, कार्य के सम्मान, अवसर प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। हर वर्ष 8 मार्च को महिलाओं को सशक्त बनाने वाले इस दिन को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की शुरुआत 1909 में की गई। दरअसल 1908 में अमेरिका में मजदूर आंदोलन हुआ था और इस मजदूर आंदोलन में लगभग 15,000 महिलाओं ने शामिल हुई और न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपने अधिकारों की मांग करते हुए उतरी। कामकाजी महिलाओं की मांग थी उनके नौकरी के घंटे कम किए जाएं, वेतनमान बढ़ाया जाए। इसके अलावा इस आंदोलन में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की भी मांग की गई। जब सरकार के कानों में कामकाजी महिलाओं के आंदोलन की आवाज पहुंची तो एक साल बाद 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने महिला दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। मित्रों, बाद में 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने ब्रेड और पीस यानी कि रोटी और शांति के लिए हड़ताल की। इसके बाद सम्राट निकोलस ने अपना पद त्याग दिया और महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया। यह देख
यूरोप की महिलाओं ने कुछ दिन बाद 8 मार्च को पीस एक्टिविटीज यानी शांति क्रियाकलापों का समर्थन करते हुए रैलियां निकाली और इस कारण 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई। बाद में 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दे दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम एम्ब्रेस इक्विटी रखी गई थी, जिसका अर्थ था लैंगिक समानता पर ध्यान देना। लेकिन इसी प्रकार 8 मार्च 2024 को जो मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम इंस्पायर इंक्लूजन है। विद्यार्थियों, आप सभी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, छात्राओं को विशेष रूप से मालूम होना चाहिए कि इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहे हैं, इसकी जो थीम है वो है इंस्पायर इंक्लूजन, जिसका अर्थ है महिलाओं के महत्व को समझने के लिए लोगों को जागरूक करना, क्योंकि लोग अभी भी जागरूक नहीं है महिलाओं के सम्मान के प्रति जागरूक करना। इस थीम का अर्थ महिलाओं के लिए ऐसे समाज का निर्माण करना, उसको बढ़ावा देना जो महसूस कर सके, सशक्त महसूस कर सके, अपने आप को मजबूत महसूस कर सके। अगर किसी क्षेत्र विशेष में जैसे किसी कंपनी में महिलाएं नहीं है तो इंस्पायर इंक्लूजन कैंपेन के अंतर्गत मकसद यह है कि पूछा जाएगा अगर महिलाएं नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर महिलाओं के साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है तो उस भेदभाव को खत्म करना जरूरी है। और इसीलिए इंस्पायर इंक्लूजन के महत्व को सभी कंपनियां, संगठन, समूह और अकेला व्यक्ति भी बढ़ावा दे सकता है और इसे अपना सकता है, जिसमें ये बातें इस प्रकार से रहेंगी। और आज का ये कार्यक्रम का जो मूल मुद्दा है, मूल उद्देश्य है, वो है इंस्पायर इंक्लूजन, जिसके अंतर्गत महिलाओं के विचारों को सुना जाए, उन्हें सम्मिलित महसूस हो, इसका ध्यान रखा जाए, अर्थात वो पुरुषों से किसी भी प्रकार पीछे नहीं है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए, विभिन्न प्रतिभाओं को भर्ती करना, उन्हें रखना और विकसित करने पर ध्यान देना पर जोर दिया जाए, नेतृत्व, निर्णय लेने और व्यवसाय में महिलाओं और लड़कियों का समर्थन करना, महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों को पूरा करने वाली बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, महिलाओं और लड़कियों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करना और पूर्ण निर्णय लेने में मदद करना कि क्या उचित रहेगा। यदि मान लीजिए गर्भधारण है और ऐसी स्थिति में महिला नहीं चाहती कि वह अबॉर्शन कराए तो यह उसका अपना निर्णय होगा कि वह अबॉर्शन कराए अथवा नहीं कराए। कृषि और खाद्य सुरक्षा में महिलाओं और लड़कियों को शामिल करना, महिलाओं और लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करना, खेल में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी और उपलब्धि को बढ़ाना, यही है पीएम श्री योजना के साथ साथ उद्देश्य महिलाओं के इंस्पायर इंक्लूजन का। महिलाओं और लड़कियों की रचनात्मक और कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना, साथ में उनकी उन्नति का समर्थन करने वाले अन्य क्षेत्रों को संबोधित करना, शामिल करना, यही आज हमारे जो ये दिन मनाया जाता है 8 मार्च को और 8 मार्च 2024 को जो महिला दिवस मनाया जा रहा है, इसके मूल उद्देश्य मित्रों यही है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि माँ बहन पत्नी बेटी जीवन का है आधार और यह है ईश्वरीय उपहार, यह है ईश्वरीय उपहार। मैं इस शुभ अवसर पर विश्व के सभी महिलाओं को यह संदेश देना चाहता हूँ, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, यही जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपनी सभ्यता और संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की, तुम्हें नया इतिहास विश्व को सजाना है।
और आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। इसी के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। पीएम श्री स्कूल केंद्रीय विद्यालय डिप्चा गंगापुर सिटी के प्राचार्य श्री आर के धानक साहब का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।